आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बिल्कुल ऐसा इंटरेस्टिंग और यूनिक नाश्ता जिसके सामने आप बाजार की कचौड़ी, समोसे और पकौड़ियों का भी टेस्ट भूल जाएंगे और जानबूझकर एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगे इस नाश्ते के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो रोटी ली थी। ये रोटी सुबह के नाश्ते में बनी थी लेकिन दो एक्स्ट्रा बच गई थी, तो इससे मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। अब आप एक कोई भी कटर सेट कर लें या कटोरी, जो भी साइज आपको पसंद हो, और उससे क्या करेंगे कि अपनी रोटियों को उस शेप में काट लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर चूँकि मेरे पास कटर थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने कटोरी सेट कर ली है और उसी से अपने रोटियों के अंदर से ये राउंड शेप में सारी रोटियों को मैंने काट लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अपने इस नाश्ते के लिए एक हमें फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए दो उबले हुए आलू लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना रहे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हम लोग डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और चुटकी भर हल्दी डालेंगे। साथ में डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक काट लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप अगर तीखा और मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। अब अपने नाश्ते के लिए हमें एक डिप तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2.25 चम्मच के करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये आटा वही है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चुटकी भर हल्दी डालेंगे जिससे कि हमारे नाश्ते में एक अच्छा सा कलर आए, नमक स्वाद के अनुसार और कटे हुए धनिया पत्ता। इसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब पानी लिया है और पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से हम लोग चलाएंगे जिससे कि हमारा डिप जो है बिल्कुल स्मूथ तैयार हो और इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से स्पून की सहायता से फेंटते हुए, जिससे कि हमारे जो नमक मिर्च है वो भी सारे इस आटे के अंदर में घुल जाएँ और कोई भी गुठलियाँ ना रहें, गांठें ना रहें। तो यहाँ पर देखिए, और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि चम्मच के ऊपर ये हल्का सा कोड हो जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे। जो रोटी का हमने टुकड़ा काटा था शेप में, राउंड शेप में, उसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे हम लोग इसके ऊपर फैला लेंगे। देखिए, मैं एक और आपको दिखाती हूँ। एक थोड़ा सा आलू का जो स्टफिंग है उसे लेंगे और फोक की सहायता से अगर आप इसे फैलाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये फैल जाता है। और अगर इसके अंदर कोई अगर बड़ा आलू का टुकड़ा भी हो तो वो भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है। तो इस तरह देखिए, मैंने यहाँ पर अपने रोटियों के ऊपर सारे फिलिंग को लगा दिया है। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग और बिल्कुल देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पर। जो हमने अपना डिप तैयार किया है वो भी 5 से 10 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट होकर के सेट हो चुका है और कंसिस्टेंसी आपको मैंने दिखाई थी कि ऐसी रखनी है कि न ज़्यादा गाढ़ी हो न ज़्यादा पतली हो। अब जो रोटी का हमारा जो टुकड़ा है उसे इसके अंदर हम लोग डिप करेंगे और चम्मच की सहायता से बिल्कुल ऊपर तक स्लरी को लगा देंगे और यहाँ पर एक फोक की सहायता से लेकर के जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे, ताकि हमारे नाश्ते के ऊपर एक पतली सी कोटिंग रहे। अब तेल को मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था और इसके अंदर अपने नाश्ते को हम लोग डाल देंगे। तो देखिए, और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो हमारा नाश्ता ऊपर से जल जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, और इसके ऊपर पहले हल्का हल्का तेल चम्मच की सहायता से डाल करके पहले पूरी कोटिंग को हम लोग सेट करेंगे। 1 मिनट तक इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद जब हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए तब इसे हम लोग जो है पलट लेंगे और उलट पलट करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये नाश्ता देख करके आपको लग रहा है ना कि बाज़ार के समोसा कचौड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में नाश्ते में अगर 2 रोटी एक्स्ट्रा भी बन गया तो बस कोई टेंशन की बात नहीं है। हम इस यूनिक नाश्ते को बना करके चाय के साथ या टी टाइम स्नैक्स में कभी भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी बची हुई रोटियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अपने नाश्ते को फ्राई कर लिया है और नाश्ता देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि ऐसी बहुत सारी नई नई और यूनिक ब्रेकफास्ट की रेसिपी और हेल्दी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को चेकआउट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। मैं इसे एक बार तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा नाश्ता कितना जो है अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बना है। और इस नाश्ते को आप कभी भी, अगर मेहमान भी आ जाएं और अगर आपके घर में रोटी अगर एक्स्ट्रा है तो इस नाश्ते को अगर बना करके देंगे तो वो भी हैरान रह जाएंगे कि बची हुई रोटी से ऐसा भी नाश्ता बन सकता है।